बिहार विधान परिषद चुनाव के नतीजे गुरुवार को घोषित हो रहे हैं। देर शाम तक फाइनल नतीजे आ जाएंगे। स्थानीय निकाय की 24 सीटों पर सोमवार को मतदान हुआ था, जिसमें करीब 98% वोट पड़े थे। 24 सीटों पर कुल 187 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। शुरुआती रुझानों में नवादा से निर्दलीय अशोक कुमार यादव के आगे चलने की खबर आई। हाजीपुर में काउंटिंग सेंटर्स पर हंगामा हो गया। मतगणना के दौरान बैलेट पेपर की गड़बड़ी के आरोप लगाए गए। वहीं दोपहर 12 बजे तक 4 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज कर ली। माना जा रहा है कि एमएलसी चुनाव के नतीजे बिहार की मौजूदा राजनीति के भविष्य को तय करेंगे। इस चुनाव में एनडीए एकजुट होकर मैदान में है, जबकि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के नाम पर एक साथ चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस और राजद अलग अलग मैदान में उतरे थे। यह चुनाव बिहार के सीएम नीतीश कुमार और राजद नेता तेजस्वी यादव के लिए भी अहम है। अगर बिहार एमएलसी चुनाव की बात करें तो इसमें एनडीए एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरा। बीजेपी 12 और जेडीयू ने 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। एक सीट पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी चुनाव लड़ी। दूसरी तरफ महागठबंधन में शामिल रही राजद और कांग्रेस अलग अलग चुनाव मैदान में उतरी थी। राजद ने 23 सीटों पर तो सीपीआई एक सीट पर प्रत्याशी दिए। कांग्रेस ने 15 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी और उन्हें चुनाव में उतारा था। इस चुनाव में चिराग पासवान की लोजपा रामविलास और मुकेश सहनी के वीआईपी के उम्मीदवार भी मैदान में उतरे। यह चुनाव चिराग पासवान और मुकेश सहनी के लिए भी खासा अहम है, क्योंकि कभी एनडीए का हिस्सा रहे मुकेश सहनी आज अकेले पड़े हुए हैं। वहीं चिराग पासवान भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।